हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी भीमा सिंह की ट्रैकिंग करके आया हूँ। आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो भी थोड़ा थोड़ा वीडियो निकाला, मेरा ट्रिप कैसा हुआ। मैं कल्याण से यहाँ से निकला 5:30 बजे और 5:54 का ट्रेन पकड़ा हूँ। वहाँ से नेरुल उतरा, फिर नेरुल उतरने के बाद वहाँ से टमटम पकड़ा, 800 रुपया लिया 8 आदमी का। हमारा एक्चुअली 11 आदमी ग्रुप था, मैं 11 आदमी उसमें चढ़ गया और कितना उसका 1000 रुपया घुस दिया। फिर वहाँ से हम लोग कंदास विलेज उतरा, उधर वड़ा पाव बुहक आया और जो भी चाय पीना चाहते हैं वो लोग पिया, मेरे को चाय की आदत नहीं है। फिर हम लोगों ने वहाँ से एक 10 रुपये का स्टिक मिलता है, वो भी ले लीजिएगा, बहुत काम पे आएगा। मैं तो एक वाटर बॉटल पकड़ा हूँ और दो छोटा सा ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स पकड़ा। फिर हम लोग वहाँ से शुरुआत किया ट्रकिंग। वो कंदास विलेज है, कंदास विलेज में आपको टमटम छोड़ देगा। फिर वहाँ से आपको धीरे धीरे धीरे, पहले इतना आपको एकदम इतना इंक्लाइन नहीं आएगा, धीरे धीरे आते रहेगा, आराम से चढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गणेश घाट तक, फिर गणेश थोड़ा थोड़ा दम लगता है, फिर भगवान का दर्शन करो वहाँ गणपति जी का, फिर दर्शन करके शुरुआत ऐसा करो, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ने के लिए। फिर गणेश घाट का पूरा होने के बाद हम लोग दूसरा पहाड़ चढ़ रहे थे। इतना बड़ा मतलब इतना डेंजरस नहीं है वो एरिया, आराम से चढ़ सकते कोई भी। फिर वहाँ से हम लोग आराम से चढ़ा सभी, उसमें तो हमारा में 4-5 तो नए ट्रैकिंग के लिए, हम लोग 11 आदमी यहाँ से निकला था ना, तो उसमें 4-5 तो नए ही है, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग उनको साथ में लेके जा रहे हैं, मैं भी एक बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, 2 दिन ट्रैकिंग किया हूँ। मैं तो साइकिलिस्ट और रनिंग करता हूँ, मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से देखो बीच बीच में वाटरफॉल्स मिला, फिर वाटरफॉल में थोड़ा मुँह में ऐसा पानी, इतना ठंडा पानी था, फिर एकदम फ्रेश हो जाएगा आप। या लकीली या बारिश गिरा नहीं या बैड लक समझो, एक्चुअली बारिश गिरता है बोलते हैं हमेशा कंटिन्यू, उधर बारिश हम लोगों को मिला नहीं, लेकिन पिसने का चांस बहुत कम हो गया, नहीं तो पूरा लाल लाल मिट्टी हो जाता था। तो शूज कंपल्सरी पहन के जाना है आपको। मेरा दोस्त तो चप्पल पहन के आया था, उसका चप्पल टूट ही गया क्योंकि लोड ऐसा गिर जाता साइड में ना, तो कोई भी चप्पल नहीं, तो थोड़ा 10-15 मतलब 1 घंटा चलने के बाद ऑटोमेटिक टूट जाए, कुछ तो कुछ हो जाएगा। देखिए क्या हरियाली है, हम लोग मुंबई में सिटी में रह के पूरा पोल्यूशन देख गया, सब बिल्डिंग दिखता है चारों तरफ, गाड़ी दिखेगा और कुछ क्या दिखेगा, हरियाली दिखता है नहीं, पूरा हाईफिस्ट है, मज़ा आ गया। ये तो ये सिग्नेचर पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर का आपका ट्रैकिंग का, इधर पूरा बारिश नहीं इसलिए आपको पूरा इतना वाटरफॉल वगैरह दिखाने दिया, क्योंकि वो एरिया पूरा वाटरफॉल से भरा हुआ रहता है। यहाँ से दूसरा पहाड़ चढ़ने के लिए स्लाइड में, मतलब ये स्लाइड में हम लोग भी नया वीडियो, मेरे पास तो फ्रोक कैमरा नहीं है तो निकाल नहीं पाया, लेकिन वो दिखा मज़ा आता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है, ऐसा स्लोप रहता है, मतलब एकदम संभाल के जाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन मज़ा आ गया। हम लोग कितना बजे शुरुआत किया वहाँ से, 8 बजे चालू किया वहाँ से, कहाँ से कंदास विलेज से, टोटल हम लोग को 5 घंटा लगा चढ़ने का आराम से। जो तीसरा पहाड़ है वो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है, बहुत टफ है, एकदम इंक्लाइन है, आप रुक रुक के जाइए, पूरा दम एक साथ मत लगाओ, रुक रुक के आराम से चलते रहिए। आराम से हम लोग निकला तो 5 घंटा तो लगा पूरा, 5 घंटा लगने के बाद भगवान का दर्शन करने के लिए देखता, अरे बापरे, भीमा सिंह जो आर्च एंट्रेंस रहता है ना वहाँ से ऊपर तक लाइन 4-5 घंटा उधर लग रहा था। फिर आपको उधर ऑप्शन है मुख दर्शन करके आना है, क्योंकि आपको शाम को निकलना है तो तुरंत। फिर हम लोगों ने क्या किया उधर, फिर हमारा डिफेंस का आई कार्ड दिखा के हम लोग आ गया, जल्दी दर्शन हो गया। फिर वहाँ से हम लोग निकला, कितना बजे वापस, 3 बजे हम लोग मतलब कानक आया वहाँ से, तो उधर का फेमस जो भी है प्रसाद जैसा कौवा था, कंदी पेड़ा वगैरह वो सब लिया। देखिए कितना फॉगी था, पूरा फॉगी था, सामने कुछ दिखता नहीं था, जहाँ ये पूरा एकदम स्लो अप यहाँ से कितना समझो 2000 फीट को ऊपर होगा लगता है, 2500 का फीट को ऊपर ही जो कड़ा था अभी, एकदम फॉगी है, मज़ा आ गया ऐसा, मतलब आप बादल में है पूरा। देखिए मैं आपको बताया, फिर दर्शन होने के बाद उधर गाना गाया, फिर गाना गाते गाते उधर कितना था गाना भी, 150 रुपया गाना था, ताली था,
बहुत बढ़िया था थाली, फिर क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑयली फूड नहीं कुछ नहीं, रोटियाँ और चावल दिया। फिर वो काके हम लोग वहाँ से निकला, 3 बजे वापस शुरुआत किया वहाँ से। हमने सोचा कि अढ़ाई घंटे में ख़त्म कर देंगे, लेकिन चढ़ना जितना टफ था ना, उतरना उतना से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आपको बहुत संभाल कर उतरना है, नहीं तो आप फिसल जाएगा। मतलब पत्थर रहते रहते, छोटे छोटे पत्थर रहते रहते, तो आपका पाँव फिसलेगा, तो आपको चोट लग जाएगा, बहुत सारे दिक्कत है, बहुत देख देख के संभाल के आना पड़ेगा। तो आप दौड़ के आएगा ऐसा सोचने का नहीं। उधर से देखा था हम लोग लोकल वाला, उधर जो पानी बेचते वगैरह, हाँ आप वो भी भूलना भूल गया, बीच बीच में पानी मिलता है, वो 20 रुपये का बॉटल है, वो 30 रुपया लेते हैं। अरे इतना तो दे सकते आराम से, क्योंकि आपका इतना तो पानी लेके चल नहीं सकते अपन ऊपर, तो आप वहाँ से दे सकते, इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 लीटर काफ़ी, 1 लीटर का पानी बस है। फिर हम लोग दर्शन पूरा करने बोलता ना, आपको 3 बजे उतरा वहाँ से, धीरे 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 आते आते हम लोग फर्स्ट जो पहाड़ आपको बोला ना, एकदम स्लो पे हो रहा, पूरा डिक्लाइन है ना, एकदम बहुत डेंजरस था। तो हम लोग धीरे धीरे उसको टाइम लग गया। फिर वहाँ से हम लोग एक दोस्त पूरा उसका टाइल्स पूरा पकड़ लिया था, क्योंकि उन लोगों का हाथ नहीं था, तो टाइल्स पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे आने लगा। तो उसके लिए हम लोग वेट करते करते उसको साथ लेके आते आते हम लोगों को बस गया। कितने बजे पहुँचा हम लोग, 6:30 बजे तक पहुँचा, वो लोग आते आते 7 बज गया, 7 बजे तक उधर हम लोग रीच हो गया। इधर एक चेक पॉइंट है, ये पुलिस का, इधर टिकट है आपको एंट्री करने के लिए, ये चीज़ मैं उतरने का टाइम निकाला था ये वीडियो, उधर इधर 60 रुपया टिकट है एंट्रेंस है, फिर अगर आप ये है स्टूडेंट है तो 30 रुपया का है। तो ये तीसरा पहाड़ है चढ़ने के लिए। फिर वहाँ से आपको ऊपर, इधर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंदर आता है, तो ऊपर भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहेगा, उधर खड़ा रहेगा। हाँ ये है, आप पूरा ट्रैकिंग करने में कभी बाहर निकल मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा जंगल से ऐसा बाहर आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा। मतलब आपको मालूम नहीं पड़ेगा, अरे मैं बाहर का भी आ गया, मंदिर का भी चला गया। फिर रात को हम लोग 8:30 बजे उधर पहुँच गया नेरल स्टेशन, उधर चाय भी पिया था। फिर वापस 8:54 का ट्रेन था, 8:54 ट्रेन पकड़ के कल्याण उतर के घर पहुँचते पहुँचते मेरा 9:30 बज गया। पूरा ट्रैकिंग मुझे बहुत मज़ा आ गया, एक दिन में पूरा फिनिश हो गया, कोई समस्या नहीं। थैंक यू वेरी मच, आप लास्ट तक वीडियो देखा है।